वक्त तो आने दो, तेवर हम दिखाएंगे, शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। यस फ्रेंड्स, आजकल आपके जो बदले बदले से तेवर है ना, इसे देखकर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उन्हें लग रहा है वो आपको कंट्रोल करे तो कैसे करे, क्योंकि आप तो ऐसी हवाओं में उड़ रहे हैं जहां से आपको नीचे लाना इस वक्त मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आपके कौन से बदले हुए तेवर कुछ लोगों को रास नहीं आ रहे। दे आर फीलिंग वेरी अनॉयड। वो चाहते हैं कि आप पहले जैसे दबे दबे से रहते थे ना उनके सामने, आप वैसे ही रहे, लेकिन आजकल आपके बदले हुए तेवर उनको रुला रहे हैं और तकलीफ दे रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं वो आप में ये चेंज आया तो कहां से आया। पहले आप बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के थे और आजकल आपके जो खतरनाक तेवर है, इससे इन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और डर भी लग रहा है। मैं ये कहूंगी सही वर्ड है, इनको डर लग रहा है। होता है फ्रेंड्स, कई बार लाइफ में हमारी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से हम लोगों के सामने थोड़े दब से जाते हैं, अपने होते हैं ये सोचकर दब जाते हैं, और ऐसे में इनको एक आदत सी हो जाती है आपको दबाने की। लेकिन फिर कुछ ऐसा कई बार आपको भी नहीं समझ आता कि ये कौन से चेंजेस आप में आए हैं, ये कैसे चेंजेस आप में आए हैं, और लोगों को ये चेंजेस फील होने लगते हैं और जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती है, क्योंकि अब वो आप पर अपनी हुकूमत नहीं चला रहे। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कह दिया था, शहर तुम खरीद लो, हुकूमत तो हम ही चलाएंगे, ऐसे आपके आजकल तेवर हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा तेवर इनको खटकता है आपका, वो है कि आप उनसे ज्यादा उनके दिमाग को समझते हैं और पढ़ लेते हैं। यू कैन रीड देयर माइंड्स, और इस बात से ये बहुत डर चुके हैं। पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस इनको हुए हैं आपसे कि आपने इनके माइंड रीड कर लिए, ये आपको दिखाते कुछ और है, कहते कुछ और है, पर आपने झट से पकड़ लिया इनके माइंड में ये चल रहा है, और ये चीज इनको बिल्कुल रास नहीं आ रही, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके दिमाग को सामने वाला पढ़ ले। लेकिन आजकल आप माइंड रीडिंग में एक्सपर्ट हो गए हैं, क्योंकि बहुत लोगों से डील करते करते, सिचुएशंस से डील करते करते आप में ये हुनर कब आ जाता है आपको भी पता नहीं चलता। झट से आप पता चला लेते हैं इस इंसान के दिमाग में ये चल रहा है, जिसकी वजह से इनको ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही। क्योंकि आपके सामने अगर मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूं तो मुझे माफ कर दें कि आप बिल्कुल उनको नंगा कर देते हैं, उनको समझ जाते हैं कि इनके खोपड़ी में इस वक्त ये सब चल रहा है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो मैं कहूंगी कि इनको ना आपके जो जोक्स हैं, आप कई बार जोक्स करते हैं, द रिबेल, कई बार आपको ना बहुत दिल किया होगा कि आप इनसे किसी बात का हिसाब बराबर करें। इन्होंने आपको पास्ट में कुछ इस तरह की तकलीफें दी होंगी कि आप राह देख रहे थे कि कब मैं इनसे हिसाब बराबर करूं। इंसान में होता ही है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान में चीज हमेशा होती है। कई बार आप उस सिचुएशन में ये नहीं कर पाते कि जब उन्होंने आप पर जोक मारा हो, आपने सुन लिया हो ये सोचकर कि कोई बात नहीं, रिलेशन को बचाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब आपको लगता है इस इंसान को सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है, तो आप ना अपनी बगावत को अलग तरीके से दिखाते हैं। जब लोग बैठे होते हैं आप इस तरह से जोक्स करते हैं कि वो इंसान को समझ आ जाता है कि आपने जोक उस पर मारा है। सब हंस भी रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं, लेकिन समझ सिर्फ उसको आता है कि आपने जोक उस पर मारा है, क्योंकि कोई पिछला हिसाब आपको पूरा करना था इस पर्सन से। इस बात से इनको बहुत आप पे चिढ़ मचती है, बहुत इनको गुस्सा आता है, क्योंकि पहले आप इनकी हर बात सुन लेते थे, अब आप हर बात का जवाब इन्हें दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ जोक्स। ये चीज इनको बिल्कुल रास नहीं आ रही है। इसके अलावा जो आपका मूड है ना आजकल, पहले क्या एक कंडीशन था आपका मूड, लोगों को पता चल जाता है अभी आप गुस्से में, अभी आप अच्छे मूड में। आजकल आपका पल पल एक मूड बदलता रहता है, मोमेंट टू मोमेंट कंडीशनिंग। आपका जो मूड है ना अचानक से बदल जाता है, और लोग इससे आपका जो पैटर्न्स है ना, आपके जो पैटर्न है, आपकी जो एक आपका तरीका है, उसको समझ नहीं पाते। और जब इंसान सामने वाले के तरीके को समझ नहीं पाता, उसके पैटर्न को पकड़ नहीं पाता, तो उससे बहुत डरता है,
तो इन लोगों को कांस्टेंट आपसे डर लगा रहता है कि पता नहीं कब आपका मूड अच्छा हो, कब आपका मूड बिगड़ जाए। और ये जो डर डर के इनको आपके सामने रहना पड़ता है ना आजकल, ये बात इनको ना गवारा गुजर रही है। क्यों? क्योंकि पहले ही आपके मूड को समझ लेते थे, अब आपसे काम निकलवा सकते हैं, इस वक्त आपसे काम नहीं निकलवा सकते। लेकिन आजकल आपके मूड को ये पकड़ नहीं पा रहे, कब आपका मूड चेंज हो जाता है, कब आप रूड हो जाए, कब आप प्यार से बात करें, इन्हें समझ नहीं आता। जैसे देखो ये झूला झूल रहे ना, इधर से उधर पेंडुलम में घूमते हैं, क्योंकि ये आपके पैटर्न्स को पकड़ नहीं पाते। ये आप देख रहे हैं, आपके माइंड को रीड नहीं कर पाते, बियॉन्ड इल्यूजन। तो इस तरह से इन लोगों को आप पे बहुत खुन्नस आती है, बहुत चिढ़ आती है, क्योंकि पहले आपको समझना इनके लिए इतना इजी होता था, इतना साधारण था आपको समझ पाना। आजकल इन्हें समझ नहीं आता आपको कैसे समझे, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स बहुत जबरदस्त हो रहे हैं और आपके पैटर्न्स को ये समझ नहीं पा रहे। इसके अलावा जो आपके साथ पहले क्या था कि आप हर किसी को अपने मतलब एक बोलते ना सर्कल में शामिल कर लेते थे, क्या सोचकर चलो अपने हैं कोई बात नहीं। अब इनको लगता है कि आपकी गुड बुक्स में आना कॉम्प्रोमाइज अब इतना इजी नहीं है। पहले आप बहुत कॉम्प्रोमाइजिव थे, किसी को भी जैसे भी हो वो इंसान, ये आप देखेंगे कैसा भी वो इंसान, आप समझदारी से काम लेते थे। मैं ये नहीं कहती हूँ अब आप समझदारी से नहीं काम लेते, अब आप दिल से काम नहीं लेते, दिमाग से काम लेते। समझदारी तो तब भी थी, आज भी है, लेकिन अब आप सिर्फ दिमाग से काम लेते हैं। अब आप किसी को अपने प्राइवेट सर्कल में यूं ही एंट्री नहीं देते, सामने वाले को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है आपकी गुड बुक्स में आने के लिए। उससे बार बार ये प्रूव करना पड़ता है कि आप उसकी गुड बुक्स में, वो आपकी गुड बुक्स में आ सकते हैं। तो पहले क्या था, हर कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था कि ये तो बंदा हमको कुछ नहीं कहेगा, इसको कुछ नहीं फील होता, ये सब कुछ लेट गो करते हैं। लेकिन अब ऐसा होने लगा है आप कुछ भी लेट गो नहीं करते हैं। अगर उस इंसान को आपकी गुड बुक्स में आना है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि वो आपके लायक है। ये चीज इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, आपका ये जो तेवर और अंदाज है ना, ये इनको बहुत चिड़चिड़ा बना रहा है। लेकिन आपसे काम इतने हैं, आप पे डिपेंडेंट इतने हैं कि चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते, और उनको वो सब करना पड़ रहा है जो आप शायद चाहते नहीं है, अनजाने में हो रहा है, लेकिन उनको वो सब करना पड़ रहा है जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि आजकल आपके तेवर बहुत ही लाजवाब है। थोड़ा बहुत आपका नेचर भी डोमिनेटिंग हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले आप इतने डोमिनेटिंग नेचर के नहीं थे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आप सिचुएशंस को देखकर, लोगों को समझ कर आपके अंदर चेंजेस आ जाते हैं जो आपको भी शायद पता नहीं होते। तो आपका जो रिबेलियस नेचर है वो अब डोमिनेशन में बदल रहा है। थोड़ा लोग आपसे डरते हैं क्योंकि आप डोमिनेट करने लग जाते हैं, और ये आप अपने भले के लिए करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप ऐसा नहीं करते थे आपके सिर पर चढ़कर लोग नाचते थे। सबको कंट्रोल करने के लिए, उनकी हैसियत में लाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप ऐसे बने, और कुदरत ने आपको ऐसा बना दिया है। सो फॉर नाउ पीपल आर अनॉयड विद द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन योर पर्सनैलिटी। आप ये बदले हुए तेवर से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन जो आपको प्यार करते हैं उनको पता है कि आप ऐसे क्यों हैं, आप ऐसे क्यों बने, क्योंकि ये शायद आपको बहुत पहले से समझाते थे कि आपको ऐसा होना चाहिए। शायद उनकी बातों का असर, सिचुएशन का असर, लोगों से जो आपको बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं पास्ट में, उसका असर आपके पर्सनैलिटी में जबरदस्त चेंजेस आए हैं, जिससे ये लोग आजकल बहुत ही चिड़े हुए हैं। आइए कुछ मैसेजेस यहाँ से भी देखते हैं क्या है आपके लिए। आपके विरोधी आपके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, होना ही पड़ेगा। आजकल आपकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये अगर आपके खिलाफ एक साथ होकर नहीं रहेंगे तो आप तो इनको कहाँ ही फेंक देंगे। तो आपके विरोधी आपके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके अंदाज ही काफी है इनको डराने के लिए। 1936-48 JOY नाम भी आता है या जय नाम आता है, ये आपको देखना है कि ये कितना रिलेट करता है आपको। ये आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स या आपके विरोधियों की लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, जो भी ड्रीम्स आपने रिसेंट पास्ट में खुद के लिए देखे हैं
खुद के लिए जो कुछ भी चाहा या मांगा है ऊपर वाले से, बहुत जल्द आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, ऐसा आपके एंजल्स का मैसेज है आपके लिए। अकेले मत घूमो, ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए खास एक मैसेज है, आपके डिवाइन जो सोल्स है जो आपकी रक्षा करते हैं, स्पिरिट्स जो आपकी रक्षा करते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनका ये मैसेज है कि अकेले मत घूमो, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ऐसा नुकसान कि आपको डर डर के घूमना है, लेकिन हाँ थोड़े केयरफुल रहिए, कुछ लोग आपके इतने खिलाफ हैं कि ये आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है। दे वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर और मॉडल, हो सकता है जिनके बारे में हम रीडिंग देख रहे हैं, जिनको आपके तेवर अच्छे नहीं लग रहे, उनको एक्टर या मॉडल बनने का बहुत ज्यादा शौक है। इससे आपको कुछ आइडिया आ जाएगा कि कौन लोग हैं जिनको आपके बदले हुए तेवर पसंद नहीं आ रहे। समवन इज प्रेग्नेंट ऑन योर साइड और देयर साइड, कोई आपकी साइड से प्रेग्नेंट है, कोई फीमेल या उनकी साइड से, जिनको आप इस वक्त बहुत आपसे जो चिढ़ रहे हैं, कोई उनकी साइड से प्रेग्नेंट होने के चांसेस है। सडन एंड ग्रेट चेंजेस आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ, बहुत खूबसूरत बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ऑलरेडी जो आपने अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क किया है, अपने आप को चेंज किया है, स्ट्रांग बनाया है, उसका तो फायदा आपको होने ही वाला है, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त चेंजेस आने वाले हैं। अगस्त दिसंबर आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस है। समवन वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू, कोई है जो आपकी रक्षा करने की हर वक्त कोशिश करते हैं, और ये कोई भी हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, या कोई आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, कोई ऐसी डिवाइन स्पिरिट है जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करना चाहती है। LPZ अप्रैल ट्यूसडे आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यू विल मीट योर ओल्ड फ्रेंड और एन एक्स, आप अपने किसी पुराने मित्र को बहुत जल्द मिलेंगे या अपने किसी एक्स को मिलेंगे। PVW सेजिटेरियस में आपकी लाइफ के या उनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यू हैव अ नोटिसेबल पर्सनैलिटी, ऑफकोर्स आजकल तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल है, लोग आपको राइट ऑफ नहीं कर सकते, आपको इग्नोर नहीं कर सकते, आपके जो तेवर है, अंदाज है, वो इतने जबरदस्त है आजकल कि लोग आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये मैसेज आया है आपके लिए इस कार्ड में। बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ विल कम सून, जब आप इतने अच्छी तरह से चेंजेस लाते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, एक आपके अंदर एक ऐसा रुतबा आ रहा है जिससे दूसरे लोग जो कमजोर है वो डर रहे हैं, ताकतवर लोग आपसे नहीं डरेंगे, वो आपसे दोस्ती करेंगे, कमजोर लोगों को आपसे डर लगता है, और आपकी लाइफ का बहुत ही खूबसूरत समय, गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं, वो जल्दी ही आने वाला है। TVY 61 अक्टूबर आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस है। किसी ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया है था, कोई आपसे ये कह रहा है या कह रही है कि किसी ने उसको आपके खिलाफ भड़काया था, इसलिए शायद वो आपसे थोड़ा पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे, या आपको इग्नोर कर रहे थे, या आपसे दूर हो गए थे, लेकिन अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि वो गलत थे, किसी के बहकावे में आने की जरूरत उन्हें नहीं होनी चाहिए थी, और इसके लिए आपसे माफी भी मांग रहे हैं। आपके दुश्मनों को कोई सबक सिखाना चाहता है, आपके साथ जो इस तरह के पंगे लेते हैं उनको कोई सबक सिखाना चाहते हैं, उनको उनकी हैसियत दिखाना चाहते हैं, जो आपको बहुत चाहते हैं। वेल एंड गुड करे वो, इस तरह वो अपनी दोस्ती भी साबित करते हैं आपके लिए, अपना प्यार भी साबित करते हैं। आई थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी, किसी का आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज है कि आपने उनके लिए जो कुछ भी किया, उनको बचाने के लिए, हिफाजत के लिए, या उनको हेल्प करने के लिए, उसके लिए वो बहुत ज्यादा थैंकफुल है। हो सकता है तब इन्होंने आपको थैंक यू बोलना या भूल गए हो, या किसी वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं बोला हो, पर आज वो रियलाइज करते हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है और वो आपको इसके लिए थैंक्स कर रहे हैं। 17 Thursday, Monday, January आपकी लाइफ के या इस पर्सन की लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस है। योर फ्रेंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन यू टू, आप में और किसी पर्सन में कुछ गलत फहमियां हो गई है जिसे आप बहुत ही फील करते हैं,
और आपका कोई दोस्त है या दोस्त जैसा है जिसने ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है आप दोनों के बीच में, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका तो अभी हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आपका कोई दोस्त इन्वॉल्व है आप दोनों में, किसी आप में और किसी पर्सन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा देंगे, या तो इसने गलती से कर दिया हो या जानबूझ के किया हो, ये तो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि रीडिंग का टॉपिक ये नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है। वो ऑलरेडी किसी के साथ है बट आप पर अपना हक अभी भी समझते हैं, इट्स डेंजरस। किसी पर्सन के लिए मैसेज है जो आपकी लाइफ में थे या है कि वो किसी और के साथ है लेकिन फिर भी आपके ऊपर अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं है, और ये चीज गलत है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कुड बी द रीजन, आप दो आप में या किसी और पर्सन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है, तो आपके किसी दोस्त की वजह से और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से। जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, वो दोस्ती का भी हो सकता है, प्यार का भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, रिश्तेदारी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस और किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की वजह से आप दोनों में दरार आई है। लोग तुम पर काली नजर डालते हैं लेकिन तुम पर प्रभु की अपार कृपा है। बहुत लोग आपके खिलाफ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप बचे हुए हैं क्योंकि आपने ऊपर वाले को सही वक्त पे और हर वक्त थैंक्स दिया है, ग्रेटिट्यूड दिखाया है, और जिसकी वजह से आप पर कोई काली क्रिया नहीं चलती है। 17, 35, 46 और मंडे आपकी लाइफ के या उन लोगों की लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिन्होंने आप पर इस तरह की क्रियाएं करवाई है। फ्रेंड्स, आज की दुनिया होती है कम्प्लीट। आज का एफर्मेशन है, आई एम हैप्पी विद द ब्यूटिफुल चेंजेस इन मी, मैं अपने अंदर आए बदलाव या तेवरों से बहुत ही ज्यादा खुश हूं। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस रीडिंग या आई क्लेम दिस एनर्जी या एक छोटा सा यस, और आप देखेंगे कैसे आपके जो तेवर हैं और भी दूसरों को जलाएंगे उड़ाएंगे, पर आपको अपने तेवर किसी के लिए नहीं बदलने हैं, जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।